गाइस वेलकम टू माय चैनल वेंसू वर्ल्ड, और मैं वेंकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और इंतकाम का लास्ट पार्ट। और कहानी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, आपने इस स्टोरी को बहुत प्यार दिया है। जो मैंने फर्स्ट शेयर किया था जे मैं मर जावांगी, उसमें उतने अच्छे व्यूवर्स नहीं थे, लाइक फर्स्ट एपिसोड में अच्छे व्यूवर्स थे, बाकी में 400 थे, जो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूवर्स नहीं आता है। बट इस एपिसोड को देख के मन में लालच आ गया क्योंकि 1K व्यूवर्स यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लास्ट पार्ट छोटा होगा और समझ में काफ़ी लोगों को नहीं आएगा, बट अगर आप कहानी के साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं लास्ट पार्ट में आपको डिसअपॉइंट करने वाली हूँ, बट ये स्टोरी मैंने ऐसे ही डिज़ाइन की थी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ कीजिएगा। और मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। हानी पूरे 8 साल का लीव लेती है। हमें नियति दिखाई जाती है जो एक जगह से इंटरव्यू दे के अपने घर जा रही होती है, और अभी जो नियति होती है वो जिला कलेक्टर बन गई होती है। नियति की बहुत ही ब्यूटीफुल कार थी, ड्राइवर कार चला रहा होता है, नियति को घर छोड़ दिया जाता है। नियति अब कमरे में एंटर करती है तभी उसे पीछे से कोई कटर करता है। नियति पीछे मुड़ती है और कहती है अर्जुन, जो भी वो लड़का है वो अर्जुन है। अर्जुन कहता है क्या नियति, कब से वेट कर रहा था तुम्हारा, तुम्हें तो हमेशा काम 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 ही सोचता रहता है, या फिर कभी इंटरव्यू देना है, कभी हमें भी इंटरव्यू दे दो। नियति कहती है विकी सो रहा है। अर्जुन कहता है यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और तुम्हें विकी क्यों पड़ी है अपनी। नियति कहती है बच्चा है मेरा, ऐसे कैसे नहीं पड़ी रहेगी, विकी कहाँ है। और ये कहते ही नियति फिर एक पालने के पास जाती है जहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा सो रहा होता है। अभी नियति स्माइल करती है, अर्जुन पीछे से नियति को हक करता है और कहता है आप तो देख लिया ना अपने प्यारे से लाडले को, अब जरा हमें भी देख लो। नियति कहती है हाँ अर्जुन तुम्हें हमेशा मस्ती सूझती रहती है ना अपना। अर्जुन कहता है और क्या करूँ मैं, जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों के बीच में कितना रोमांस था, अब तो तुम देखो विक्की विक्की काम इंटरव्यू, मुझ पर ध्यान दोगी या फिर नहीं। जो अपनी नियति होती है वो कह देती है नहीं दूंगी। अपना अर्जुन कहता है हाँ, और ये कह के अजीब सा मुंह बना लेता है। अभी ना कमरे में एक लड़का आता है, उस लड़के को देख के अपना विक्की बोलता है हाँ बोलो। वो लड़का कहता है सर आपने जो बोला था वो काम हो चुका है। अपना अर्जुन कहता है ठीक है। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अपनी नियति उस लड़की को ही देखती है, फिर विक्की को देखती है और कहती है वे किस काम के बारे में कह रहा था। अभी जो लड़का गया है उसका नाम रवि है। अर्जुन कहता है कुछ नहीं, बस छोटा सा इंटरव्यू देना था मुझे। अपनी नियति कहती है लो अब तुम्हें भी इंटरव्यू देना है ना। अपना विक्की कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें भूख लगी है तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। नियति कहती है नहीं मैं बना दूंगी, और ये कहते ही जाने लगती है, बट विक्की उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने पास खींच लेता है, उसके गाल पे हल्की सी स्मूची दे के कहता है मैं कर लूँगा ना तुम बोलो। नियति कुछ नहीं कहती है, तो अपना जो अर्जुन होता है नियति को उससे गोद में उठा के किचन की तरफ ले जाता है, किचन काउंटर पर बैठाता है और कहता है तुम देखो और मैं बनाता हूँ, और ये कहते ही नियति के लिए खाना बनाता है। नियति अर्जुन को देख के स्माइल कर रही होती है। अब हमें ना नाइट का सीन दिखाया जाता है। अपनी जो नियति थी वो विकी के सर पे हाथ फेर रही होती है क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा जो था, और स्माइल करते हुए उसके हेड पे किस करती है और कहती है जिंदगी में कभी मत डरना मम्मा तुम्हारे साथ है, और ये कहते ही नियति स्माइल करती है। अभी कमरे में अर्जुन आता है जो कहता है अपने बेटे से क्या बातें कर रही हो। नियति कहती है बस माँ बेटी के बीच की बात है, बाप को नहीं आना चाहिए। अपना अर्जुन स्माइल करता है और कहता है हाँ ठीक है चलो बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। नियति कहती है मुझे दूध नहीं पीना। अपना अर्जुन कहता है मैम पीना पड़ेगा, और अजीब सा चेहरा बनाना बंद करो चलो बैठो। अभी नियति ना बैठ जाती है, अर्जुन फिर नियति के हाथ में ना दूध पकड़ाता है। अभी नियति का एक हाथ पीछे था, अब फिर बाद में अर्जुन के पास एक कॉल आता है
अर्जुन उस कॉल को पिकअप करने के लिए बाहर जाता है, बट वो नियति से कह के जाता है कि दूध पूरा ख़त्म कर देना। अपनी नियति हाँ में सर भी हिला देती है। अभी जब अर्जुन कमरे में आता है तो देखता है कि नियति जो हल्की सी दूध बची थी ना उसको पी रही होती है। अपना अर्जुन स्माइल करता है और कहता है वाओ पूरा फिनिश कर दिया। नियति कहती है फिनिश नहीं करती तो तुम मानते कहाँ, हमेशा मुझे दूध जो पिलाते रहते हो। ओह बच्चा समझ रखा है मुझे। अपना जो अर्जुन है वो स्माइल करता है और कहता है तो मेरे लिए बच्ची तो मेरी क्यूट सी जाना, और ये कहते हैं उसके हेड पे किस करता है। अभी ना नियति स्माइल ही कर रही होती है। अभी नियति बोलती है मेरी आँख भारी भारी सी कुछ हो रही है। अपना अर्जुन कहता है तुम थक गई होगी ना तो तुम आराम कर लो। अभी नियति कहती है नहीं इतना काम भी नहीं किया था। अर्जुन कहता है नहीं तुम सोचो और आराम कर लो, और ये कहते ही उसे बिस्तर पे अच्छे से लेटा कि उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। काफ़ी देर बाद अर्जुन कहता है नियति 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 नियति, पर नियति उठती नहीं है। अब अर्जुन स्माइल करता है, उसके हेड पे किस करता है और कहता है फिर मिलेंगे नियति, मुझे ज़्यादा मिस मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम रोओगे ना पर कर क्या सकते हैं। अभी जो अर्जुन होता है वो उठता है, पालकी की तरफ देखता है जहाँ पे विक्की सो रहा था। अर्जुन विक्की को गोद में उठाता है और कहता है विक्की मेरे बच्चे तुम इतने छोटे उम्र में ही अपने बाप के लिए इतना कुछ कर रहे हो चलो। और ये कहते ही अर्जुन विक्की को लेके जाने लगता है। अभी हमें नियति को दिखाया जाता है जो अभी भी सो ही रही होती है। अपना जो अर्जुन रहता है वो रवि के साथ बैठ के लाइक रवि कार चला रहा होता है और अर्जुन पीछे बैठा रहता है अपने बच्चे को पकड़ के। अब वो कहीं चले जाते हैं। अभी वो ना रेलवे स्टेशन आए होते हैं। अपना जो अर्जुन रहता है वो कहता है तुमने सब कुछ वहाँ पे सेट कर दिया है ना। अपना रवि हाँ में सर हिलाता है। अर्जुन स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी फैमिली ने सालों साल मेरी सेवा की है, अब बारी तुम्हारी है। अभी जो रवि होता है वो कहता है मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभी जो अपना रवि होता है वो कहता है ये रितेश देशमुख का तो डायलॉग नहीं है एक विलन का, कहीं मार तो नहीं दोगे। रवि कहता है बिल्कुल नहीं सर। अर्जुन स्माइल करता है और कहता है चलो बैठ जाओ ट्रेन छूट जाएगा नहीं तो मेरा। अभी जो अर्जुन है ना वहाँ पे बैठ जाता है लाइक वो बैठ जाता है विंडो वाले सीट में और अपने बच्चे को अपने गोद में ही रखा हुआ था और रवि दूसरे साइड बैठा हुआ था। अभी ना ट्रेन चलने लगती है और अर्जुन बाहर ही देख रहा होता है। हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अर्जुन और रवि वहाँ पे आए होते हैं लाइक वो निशिगंधा के महल आए होते हैं, मतलब भानु के राज्य में आए होते हैं। जो अपना अर्जुन रहता है वहाँ पे आके हर चीज़ों को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर अर्जुन एक अलग साइड में जाता है, वहाँ पे एक गुफा था उसके अंदर से ना एक टनल जा रहा होता है। अब अर्जुन उस टनल के अंदर जाने लगता है, फिर वो टनल एक जगह पे जाके रुकता है जहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति थी और ये वही मूर्ति है जिसकी निशिगंधा पूजा करती है और ये वही जगह है जहाँ पे मधुबाला को मारा गया था। अभी जो अर्जुन होता है अपने बच्चे विक्की को उसी जगह पे रख देता है जहाँ पे मधुबाला को मार दिया था। अभी अर्जुन उस बच्चे को पीछे रख के अपने कदम पीछे करता है और कहता है हे दानव मुझे शक्ति दीजिए, सालों से जिस तरीके से आपने मुझे जिंदा रखा है मुझे उसी तरीके से जिंदा रखिए, ये जो शरीर है इसमें बहुत बीमारी है, अर्जुन हमेशा बीमार रहता है, मुझे कैंसर है, मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं इस बार अपने बच्चे की बलि जल्दी चढ़ा रहा हूँ। ये भानु आपके सेवा में हाजिर है, मैंने आपको इतनी बलि दी है इतनी ज़्यादा, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखिएगा जैसे आपने 208 सालों से मेरे पे बना के रखा है। काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे बट मैं फिर भी कह देती हूँ ये अर्जुन ही भानु है जिसने मधुबाला को मारा था, निशिगंधा को जिंदा जला के मरवा दिया था। अभी ना यहाँ से कान में एयरफोन लगा लीजिएगा क्योंकि सीन डिस्टर्बिंग होने वाले हैं। और हाँ गाइस अब मैं
भानु को अर्जुन नहीं कहूँगी, भानु ही कहूँगी। माना ये शरीर अर्जुन का है, इसके एक्स पीबी के बेटे का है, बट फिर भी मैं इसे भानु कहूँगी। अभी जो भानु होता है हर जगह मिसाले जलाने लगता है, कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है मसाल जलाते जलाते। फिर वो अपने बच्चे के पास जाता है, घुटने पे बैठ जाता है और उसने जितनी भी क्लोथिंग्स पहनी थी ना सारे के सारे बाहर ऐसे निकाल देता है, उसको पूरा नेगेट कर देता है अपने बच्चे को। उसके शरीर पे कुछ लगा के लाइक वो मंत्र पढ़ रहा होता है और उसके शरीर पे कुछ लगा रहा होता है, फिर वो अपना भी शरीर है ना अपने शर्ट खोल देता है और शर्ट खोलते ही उसके पीठ पे ना एक निशान दिखाई देता है जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है। लाइक एक स्ट्रिंग पे दूसरी स्ट्रिंग ऐसे जुड़ी हुई रहती है ना इन्फिनिटी का सिंबल, वही सिंबल भानु के पीठ पे बना रहता है। अब वो जो चीज़ होता है ना भानु अपने शरीर पे भी लगाने लगता है और मंत्र अभी भी वो पढ़ रहा होता है। अभी जो भानु होता है वो अपने बच्चे लाइक विक्की के शरीर में एक कील ठोकने वाला था, तभी उसे एक आवाज़ आती है। भानु जब पीछे मुड़ता है तो हैरान रहता है, वो कहता है निशिगंधा। सामने उसके निशिगंधा थी जो चल चल के उसी के पास आ रही होती है। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे राजा जी, आपकी पत्नी कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, अगर मुझे पता रहता कि आपका बसेरा यहीं पे है तो हम कब का आपके पास आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए। अभी ना भानु हैरान रहता है और वो कहता है मुझे, अभी निशिगंधा कहती है हाँ ये मत कहना कि आपको पता नहीं था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप अपना नाम कभी अलग अलग नहीं रखते, भानु का भानु ही रखते। आप जानते थे ना कि अगर मुझे कोई भी भानु नाम का लड़का मिला मैं उसे मार डालूँगी, क्योंकि मैं आपसे प्रेम जो इतना करती हूँ। भानु कहता है रुक जाओ, मैंने कब कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया, तुमने हर जगह आग लगा दी। मैं महल से निकल गया था, मैं राज्य से निकल गया था, पर जब मैंने किसी से शादी की और उसके बच्चे का जब जश्न लिया और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं वापस आया, पता लगाया कि तुमने क्या किया था और क्या नहीं। मैं जानता था कि तुम चुड़ैल बन गई हो, वैसे औरतें होती ही चुड़ैल हैं पर तुम सच्ची में चुड़ैल बन गई। अभी निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है और हाँ मैं सुहागन चुड़ैल बनी हूँ, क्योंकि मेरे सुहाग ने ही मुझको मारा था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुहागन चुड़ैल ही बन जाऊँ। भानु स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छा आइडिया, और मेरी प्यारी सुहागन चुड़ैल कैसी चल रही है तुम्हारी ये भटकी हुई लाइफ, भटकती रहती हो ना इधर उधर, और मुझे मारने के लिए प्लानिंग क्या की थी तुमने, कुछ तो की ही होगी। निशिगंधा कहती है की थी ना, मेरे प्लानिंग की वजह से ही आज आप यहाँ पे हो। अभी जो भानु रहता है वो कहता है क्या मतलब। निशिगंधा कहती है आपको लगा कि आपको कैंसर है, लगा ना, इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे इतने छोटे बच्चे को भी मारने के लिए तैयार हो गए। वैसे वो कैंसर की जो रिपोर्ट थी ना वो मैंने ही बदलवाई थी अपनी शक्ति से। भानु निशिगंधा को देख ही रहा होता है, निशिगंधा कहती है आप समझे नहीं, आपको कैंसर नहीं था, ये बस मैंने बनवाया था कि आपको कैंसर है, क्योंकि आप जैसा फट्टो इंसान को पता चले कि वो मरने वाला है तो कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा ही करेगा, जैसे आपको ही देख लो आ गए ना इतने जल्दी, नहीं तो आपको आने में 6 साल और लगता। सही कह रही हूँ ना मैं। अभी जो भानु होता है ना वो निशिगंधा को ही देख रहा होता है, निशिगंधा कहती है काश इतने प्यार से उस वक्त आप मुझे देख लेते तो मैं शायद किसी और से प्यार ना करती। वैसे आपकी क्या गलती थी, जब आप खुद से इतना प्यार करते थे तो दूसरों से प्यार कैसे ही कर पाते हैं। अभी जो भानु होता है वो कहता है तुम प्यार का मतलब सिर्फ वही जानती हो। निशिगंधा कहती है नहीं, पर अगर प्यार का सिर्फ मतलब वही होता तो तुम वो भी प्यार नहीं दे पाते,
वैसे तो तुम्हारी कितनी सारी बीबी रही होगी ना, अपने बीबी को सुख दे पाए। तुमने कहा था ना मैंने इतने सारे लड़के भेजे पर तुम कभी खुश नहीं हुई, पर मधुबाला के समय तुम आह आह और कर रही थी ना, उसमें दम था यार। अगर तुम भी होते तो तुम में नहीं होता जितना मधुबाला में दम था। जब उसने अपना फिंगर इंसर्ट किया था ना तब मुझे बहुत राहत मिली। इतनी राहत तब भी नहीं मिलती जब तुम अपना पीनस इंसर्ट करते, उसकी बात अलग है, एकदम कूल एंड फायर। तुम्हें इंग्लिश तो आती ही होगी ना। हनु आगे कहता है तुम मुझे मार दोगी। निशिगंधा कहती है प्लान तो यही है पर थोड़ा सा सोच रही हूँ कि तड़पा के मारूँ। मजा आता है ना जब इंसान तड़प तड़प के मरता है, जब अपने प्यार की आंखों के सामने वो मर जाता है। तुम्हारा प्यार तो तुम खुद हो ना, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मिरर क्यों ना ला दूँ। मिरर चाहिए ये लो। और ये कहते हैं निशिगंधा अपनी मैजिक करने के लिए अपना हाथ उठाती है, बट निशिगंधा अपनी मैजिक यूज़ नहीं कर पाती है। अभी जो भानु होता है निशिगंधा को ही देख रहा होता है। निशिगंधा वापस अपने मैजिक का ट्राई करती है। भानु फिर कहता है कर लो थोड़ा और ट्राई कर लो, शायद मैजिक हो जाए। निशिगंधा बहुत कोशिश कर रही होती है बट वो मैजिक कर ही नहीं पा रही होती है। जो अपना भानु होता है वो कहता है नहीं कर पा रही ना, कर भी नहीं पाओगी क्योंकि यहाँ पे जादू जो कर रखा है मैंने। अरे निशी मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता था कि तुम्हें कभी ना कभी तो पता चलेगा कि मुझे सिर्फ यहीं पे मारा जा सकता है, और तुम मुंह उठा के चली आओगी मुझे मारने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ एक कवच बना के रखता हूँ कि मुझे कोई भी मार ना पाए। मैं बस बीमारी से ही मर सकता हूँ निशिगंधा, तुम्हें पता था ना, जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी बीमारी, मुझे कोई मारे तो मैं नहीं मर सकता पर मैं इस जगह पे मर सकता हूँ। वही अगर मैं इस जगह के एक भी कदम बाहर रख दिया, अगर मेरा घुटना भी बाहर हुआ तो तुम मुझे नहीं मार सकती। मुझे पता था कि तुम्हें पता होगा इसलिए मैं पहले से ही मंत्र पढ़वा के रखता हूँ। भानु नाम है मेरा, बेवकूफ नहीं हो तुम्हारी तरह। तुम और वो तुम्हारी मधुबाला दोनों के दोनों ही बेवकूफ थे। अभी एक आवाज आती है जो कहती है कौन बेवकूफ है ये तो आगे ही पता चल जाएगा। अभी वहां पे एक और लेडी आती है, अपना जो भानु रहता है उस लड़की को देख के कहता है नियति। अभी वो लड़की नियति थी। नियति स्माइल करती है और कहती है मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत भी मत करना, वो तुमसे जरूर पैदा हुआ है पर मैंने उसे 9 महीने अपने कोख में रखा है, ऐसे कैसे मरने दे सकते हो उसे। और ये कहते ही जो अपनी नियति है वो अपने बच्चे के पास जाती है, उसे गोद में उठाने ही वाली थी तभी भानु नियति पे ना वो किल स्टैप करने वाला था, पर तभी निशिगंधा अपना मैजिक यूज़ करके उसे दूर फेंक देती है। अपना जो भानु रहता है वो एकदम हैरान रहता है। अपनी निशिगंधा कहती है मैं क्या लगा मैं अपनी मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही, मैं कर सकती थी पर मुझे ना तुम्हारे चेहरे पे वही हरामियत देखनी थी जो पहले थी। पहले तुम ताकतवर थे ना, हम दो लड़कियों को मारा था ना बांध के, वही आंखों में चमक देखनी थी तुम्हारी जब तुम समझो कि तुम टॉप पर हो, पर तुम्हें पता चले कि तुम्हें हाथों हाथ पेला जाएगा, मार दिया जाएगा तुम्हें। मैं यही तो चाहती थी जो हो गया। भानु कहता है पर ये कैसे। अंदा कहती है तुमने मुझसे कहा था ना भानु कि तुम सोचोगे कि यहाँ पे जितने आदमी हैं वो मेरे हैं पर ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हारे हैं। तो तुमने जो सोचा कि वो आदमी तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं वो मेरा था। भानु कहता है मतलब। अभी जो निशिगंधा होती है वो कहती है बिस्तर जरा इधर तो आओ। अब वहाँ पे ना रवि आता है। रवि को देख के भानु बोलता है रवि इन सबको मार डालो। अभी जो रवि होता है निशिगंधा की तरफ देखता है और कहता है मेरी प्यारी चुड़ैल,
और अभी रवि का जो चेहरा है ना वो बदलने लगता है और वो अपना विषधर बन जाता है। रवि एक्चुअली में विषधर था। भानु एकदम हैरान था। भानु बस रवि रवि ही कह रहा होता है। निशिगंधा कहती है, तुम्हारा रवि तो कब का आजाद हो गया है इस दुनिया से, मरवा डाला मैंने और अपने विषधर को तुम्हारे रवि का चेहरा देख के बैठा डाला। वैसे ये जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए भानु मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि तुमने ही तो मुझे कमीनापन सिखाया है, छल कपट तुमने ही तो सिखाया है एक तरीके से मुझे, तो शुक्रिया भानु। अब मरने के लिए ना तैयार हो जाना, जब तुम तिल तिल मरोगे ना तब मुझे बहुत ही मोक्ष मिलने वाला है। अभी जो नियति होती है निशिगंधा की तरफ देखती है, निशिगंधा नियति की तरफ देख के बोलती है, तुम्हारा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, समझ गई। और ये कहते ही भानु के पास जाती है और उसे अपने मैजिक से ही ना नीचे लेटा देती है। अभी भानु ना उठने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उठ नहीं पा रहा होता है। अभी जो निशिगंधा होती है ना एक कील लेती है और कहती है, कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ, हाँ। और ये कहते ही जो किल होता है उसको पीनिस के अंदर डाल देती है। अभी जो भानु होता है ना चिल्लाता है, निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है, याद आया तुम्हें। अभी भानु नियति की तरफ देखता है और कहता है, नियति नियति मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, अर्जुन अर्जुन तुम्हारा पति है ना, प्लीज़ नियति बचाओ मुझे। नियति कहती है, बचाना होता तो ये सब करती ही क्यों, ये सारी मेरी ही प्लानिंग थी, तो मेरे से रहम की भीख मांगना व्यर्थ होगा तुम्हारा। अभी जो निशिगंधा होती है वो जो निपल्स होता है वहाँ पे भी कील डाल देती है, जहाँ जहाँ मधुबाला के कील डाले गए थे वहाँ वहाँ निशिगंधा कील डाल रही होती है। अभी निशिगंधा ना अपने विषधर की तरफ देखती है, विषधर अभी एक जगह पर जाता है और एक तेजाब का ड्रम लाता है और निशिगंधा के हाथों पकड़ा देता है। निशिगंधा अब धीरे धीरे करके उसके शरीर पे तेजाब डालने लगती है, उसका शरीर बहुत ही जल रहा होता है। भानु बहुत ही चिल्ला रहा होता है और निशिगंधा के चेहरे पे उतना ही स्माइल था। अभी जो अपनी नियति होती है ना उसके हाथ में जो उसका छोटा सा बच्चा विकी था उसको लेके बाहर जाने लगती है, क्योंकि वो ये सब देख नहीं सकती है। अभी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा ना कौवों को खिलाना चाहती हूँ विषधर। और ये कहते ही अपना हाथ आगे करती है। अब विषधर ना आपको पता होगा वो आलू छीलते हैं, जिससे मैं बोलती हूँ पील वाली चाकू दो जिससे मैं आलू पील कर सकूँ, वो वाली चाकू से अपना जो भानु रहता है उसकी जो चमड़ी होती है वो पील कर रही होती है। भानु बहुत ही चिल्ला रहा होता है और अपनी निशिगंधा उतने ही फील से उसको पील कर रही होती है। भानु चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, निशिगंधा उतने ही मजे कर रही होती है। अभी जो निशिगंधा होती है ना उससे रात भर ऐसे ही टॉर्चर कर रही होती है। नियति जो एक जगह पर बैठी हुई थी, नाइट का वक्त था, उसके पास एक लड़का आता है जिसने कवच पहन रखा था। अभी नियति उसको देखती है और कहती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे अंदर पहुंचाया था महल के। अभी वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो नियति होती है उसके कवच को देख के कहती है, तुम निशिगंधा के भाई थे ना, सगे नहीं पर थे, तुम वही हो ना। अभी वो जो लड़का है वो कहता है, हाँ मैं वही हूँ और मुझे अफसोस था कि मैंने निशिगंधा के साथ ये सब किया, पर मैं अपने राजा की बात मानना चाहता था। अपनी नियति कहती है, तुमने राजा की बात मान के अपनी बहन की इज्जत दांव पे लगा दी, उसकी जिंदगी ख़राब कर दी। वो लड़का कहता है, मेरे यहाँ पे कोई रिश्ता मायने नहीं देता, मायने बस राजा का सेवा करना देता है जो मैंने किया, और इस बात के लिए मुझे अफसोस भी हुआ, पर अफसोस जता के कुछ किया भी नहीं जा सकता। नियति कहती है, निशिगंधा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। वो लड़का कहता है,
मुझे पता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। वैसे अब भानु मर चुका है। अपनी नियति कहती है मर गया। निशिगंधा ने बस उससे इतना ही टॉर्चर किया। वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता कि निशिगंधा ने उसे मारा या फिर वो खुद मरा, पर वो मर चुका है क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि मुझे आसमान में बुलाया जा रहा है। अपनी निशिगंधा कहती है क्या मतलब? अभी ना उस लड़की के ऊपर एक रोशनी जैसी आ रही होती है जो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े पार्टिकल में करके उसे बादलों में ले रही होती है। नियति की आंखों के सामने से ही वो लड़का गायब हो जाता है। अभी ना वहाँ पे थोड़ी देर बाद निशिगंधा आती है। नियति निशिगंधा को देखती है और कहती है भानु मर गया। निशिगंधा कहती है तड़पाना तो मैं उससे और चाहती थी पर वो खुद ही मर गया, वो मर गया। नियति कहती है इतना गुस्सा मत करो, वो मर चुका है। निशिगंधा कहती है मुझे उसे और तड़पाना था, उसे तड़पा तड़पा के मारना था, उसे बताना था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अभी ना निशिगंधा बहुत ही गुस्से में थी और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। नियति अब निशिगंधा को हक कर लेती है और कहती है अब शांत भी हो जाओ, जिसने मधुबाला को मारा, जिसने तुम्हें मारा वो मर चुका है, अब वो मर चुका है, शांत हो जाओ। भानु को वो मिला जिसके वो लायक था। निशिगंधा अब रिटर्न में नियति को हक करती है और कहती है सब तुम्हारे वजह से हुआ, अगर तुम उस दिन मुझे समझाती नहीं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट रुका था। नियति जो होती है वो कहती है उस बूढ़े आदमी ने अपने किताब में लिखा था कि भानु को उसी जगह पे मारा जा सकता है जब भानु अपना दूसरा शरीर लेने की कोशिश करे। भानु को सिर्फ उस मंदिर में ही मारा जा सकता है, उस जगह पे, और कहीं नहीं मार सकते भानु को। निशिगंधा जो उस समय दर्द में थी वो कहती है हाँ तो मैं उसको ढूंढूंगी और वहाँ पे ले जाके मार दूंगी। अभी जो नियति होती है वो कहती है तुम फिर से मोक्ष को मारने की बात कर रही हो ना। निशिगंधा कहती है वो मरने के लिए ही जन्म लिया था, वो मरेगा। अभी जो अपनी नियति होती है वो कहती है तो इस हिसाब से मैं ये भी कह सकती हूँ कि मधुबाला ने इसलिए जन्म लिया ताकि वो मरे और भानु को शक्ति दे सके। अभी जो निशिगंधा होती है ना वो नियति के गला दबाने लगती है बट उसके उतने पावर लग नहीं रहे होते हैं। नियति कहती है कोशिश करना व्यर्थ है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मोक्ष की भी जिंदगी है, जब तुम्हारे प्रेम की जिंदगी तुम्हारे आंखों के सामने ले ली गई तो तुम कैसे तड़प उठी थी, और उसका क्या, क्या मोक्ष की मम्मी नहीं है, क्या मोक्ष के पापा नहीं है, क्या मोक्ष की दोस्त नहीं है, मैं हूँ। निशिगंधा मोक्ष की दोस्त है और उसी के सामने तुम उसकी दोस्त की जान ले लोगी, तुम्हें यह लगता है। अभी जो निशिगंधा होती है ना अपनी नियति को गुस्से में ही देख रही होती है। नियति कहती है गुस्से से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ पे मार सकती हूँ, मुझे भी पता है कि तुम्हें कैसे मारा जा सकता है। निशिगंधा कहती है कैसे मारा जा सकता है जरा बताओ मुझे। अभी जो नियति होती है वो कहती है जिस वक्त तुम अपने पति की जान ले रही हो ना उस समय तुम्हें भी मार सकते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है सबकी ख़त्म वहीं से होगी, मैं चाहती तो जब तुम मोक्ष को बलि देने चढ़ाने जाती ना तब मैं तुम्हें मार देती, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि तुम्हारा पार्ट सुन के मुझे भी बुरा लगा है। पता नहीं तुमसे ऐसी क्यों फीलिंग आती है जैसे कि तुम कोई अपनी हो मेरी, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। निशिगंधा हंसती है और कहती है इंसाफ तुम मुझे दिलाओगी, मैं खुद का इंसाफ खुद ले लूँगी। अपनी जो नियति होती है वो कहती है तुम चाह के भी नहीं ले पाओगी। अपना जो निशिगंधा होती है वो कहती है क्यों नहीं ले पाऊँगी, मोक्ष को मार के सिंदूर की शक्ति प्राप्त करके अपने सारे सिंगारों की शक्ति बढ़ा लूँगी मैं, सिंदूर से मेरी सारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, एक तो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, फिर मैं अपने अंगूठी से उसके बारे में पता लगाऊंगी, तब मेरी अंगूठी उसके बारे में पता लगा पाएगी, अभी नहीं लगा पाती पर फिर पता लगा पाएगी। अपनी जो नियति कहती है
अच्छा, पता लगाने के बाद तुम उस मंदिर में कैसे पहुंच जा पाओगी? उसे अपनी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, तो तुम उसको मंदिर में कैसे पहुंच जाओगी? अपनी जो नियति होती है वो कहती है उसे शादी करके, उसे बच्चा दे के। अपनी निशिगंधा एकदम हैरान। नियति कहती है, बूढ़े ने अपने किताब में लिखा था, उसे पहले नहीं पता था कि कैसे मारा जा सकता है भानु को, क्योंकि उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी बैठे बैठे, पर उसने अपने लास्ट के लास्ट वाले पन्ने पर लिखा था ये सारी की सारी बातें। और उसने वो लिखा था, भानु ने उसे खुद बताया था कि भानु बस उसी लड़की से शादी कर सकता है जो उसी दिन पैदा हो जिस दिन उसका शिकार मरेगा, और उस शिकार के शरीर में जो भी खासियत होगी ना वो उस इंसान के शरीर में होगी। जैसे मधुबाला, मधुबाला के होठ के पास तिल था, मेरी भी होठ के पास तिल है, तो भानु का अगला शिकार मैं होंगी। निशिगंधा ऐसे ही देखी जा रही होती है, नियति कहती है, और भानु को पता बस एक ही तरीके से लगाया जा सकता है, उसके पीठ पे एक इन्फिनिटी का सैम्बल होगा। अपनी निशिगंधा कहती है, बहुत अच्छे, पर भानु को तुम्हारे बारे में पता कैसे चलेगा? अपनी जो नियति होती है वो कहती है, वैसे भी मैं जिला कलेक्टर बनने वाली थी, जिला कलेक्टर के बाद सब मुझे जानेंगे और मेरी जन्म डेट भी सब पता लगाएंगे, फिर मेरे होठ का तिल भी देखेंगे, क्योंकि तिल तो मैं छुपा के घूमने वालों में से नहीं। तो तुम मेरी विश्वास करो, अपनी निशिगंधा कहती है, तुम पे विश्वास करो मैं। अभी जो नियति होती है वो कहती है, लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि मॉक्स को तुम वैसे भी नहीं मार सकती। निशिगंधा कहती है, ऐसा क्यों? नियति कहती है, बादलों की तरफ देखो। निशिगंधा जब ऊपर देखती है तो नियति कहती है, सुबह होने वाला है, लाल चांद का दिन चला गया, अब तुम्हें वापस लाल चांद के दिन का इंतजार करना पड़ेगा जो पूरा का पूरा 5 साल बाद आने वाला है। तो तुम सोच लो, तुम मेरे मकसद में साथ दे दो, क्योंकि तुम भानु का पता भी लगा लोगी, फिर भी तुम उसे उस जगह पे नहीं पहुंचा पाओगी, पर मेरे थ्रू तुम पहुंचा पाओगे। अभी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, पर मैं मॉक्स को अपने वशीकरण से बाहर नहीं निकालूंगी, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाई तो मैं मॉक्स से शादी करके जैसा मेरा प्लान था मैं वैसा ही करूँगी। नियति कहती है, क्यों नहीं, पर तुम मॉक्स को चोट नहीं पहुँचाओगी। निशिगंधा कहती है, ठीक है, तो हम यहाँ से कहानी में एकदम सिंपल से समझा देती हूँ, जैसे नियति ने प्लानिंग की थी ना, सेम टू सेम वैसा ही होता है। वो जिला कलेक्टर भी बन जाती है और भानु से भी मिल लेती है, जिसका नाम उस समय अर्जुन था। नियति भानु का ना एक बार उसको पूल के साइड बुलाई होती है और उसका ना शर्ट खुलवाई होती है, लाइक अर्जुन का शर्ट खुलवाई होती है, तो पीछे उसको सिंबल दिख जाता है, तो नियति पहचान लेती है कि यही भानु है। फिर अपनी नियति भानु से शादी करती है, उससे एक बच्चा पैदा करती है। फिर इसी बीच निशिगंधा जो रवि होता है उसे मरवा के अपने विस्तर को वहाँ पे पहुँचा देती है। फिर बाद में रिपोर्ट चेंज करवा देते हैं ताकि भानु जल्दबाजी में अपने छोटे से बच्चे की ही जान ले। भानु ऐसा करता भी है, इसलिए वो नियति को दूध पिलाता है, दूध में नींद की दवा रहती है ताकि वो सो जाए, और अपनी नियति को पता था कि वो दूध में नशी की दवा है, क्योंकि विजदर वहीं पे रहता है, विजदर ने देख लिया था, और विजदर आप जानते हो वो बिल्ली के रूप में भी रह सकता है, तो विजदर ने पहले ही नियति को बता दिया था। और नियति का जो उस समय हाथ पीछे था ना, उसके हाथ में घड़ी था, उस घड़ी को हल्का सा भी प्रेस करने पे ना एक वाइब्रेशन सा ना अपने विजदर के पास होता, और विजदर ने कॉल किया होता है उस समय, ताकि जो नियति हो ना वो जितना भी मिल्क है वो सारा वहाँ पे फेंक सके। और ऐसा होता भी है, जो नियति होती है सारा मिल्क फेंक देती है और थोड़ा सा मिल्क रखती है ताकि वो भानु को दिखा सके कि हाँ मैं मिल्क पी रही हूँ, बट उसने मिल्क नहीं पिया होता है और सारा मिल्क फेंक दिया होता है। और जैसे ही भानु वहाँ से निकला होता है, निशिगंधा भी उसके पीछे पीछे तो गई होती है। निशिगंधा तो चुड़ैल है, वो हाथों हाथ वहाँ पे पहुँच जाती है, बट अपनी जो नियति होती है वो भी हाथों हाथ उसके पीछे ही चल रही होती है। फिर आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ है, और फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जब अपनी निशिगंधा होती है नियति को थैंक यू बोलती है, नियति कहती है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है,
इतने सी गंदा कहती है। हाँ सही कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरी मदद थोड़ी ना की है, तुम तो अपने मॉक्स को बचाने के चक्कर में ये की है। मैंने तुम्हारा प्रेम बख्शा है, तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, अपनी नियति कहती है। ठीक है शुक्रिया उस प्रेम को बख्शने के लिए जिसने दूसरी शादी कर ली। तो मॉक्स होता है ना, उसने दूसरी शादी कर ली होती है। जैसे ही नियति को अपना जो भानु होता है वो मिल जाता है और निशिगंधा को लग जाता है कि नियति धोखा नहीं देगी, तो मॉक्स के ना जो वशीकरण होता है वो उतार देती है। अब खबर तो यही थी कि अपनी जो नियति है उसने शादी कर ली एक बड़े से रिच मैन से, क्योंकि अर्जुन उस समय रिच था, तो अपने मॉक्स ने भी दूसरी शादी कर ली होती है। निशिगंधा नियति दोनों के दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पे विजदर आता है, अपनी जो निशिगंधा होती है वो विजदर का हाथ पकड़ती है, अपने नियति के हाथ में रखती है और कहती है विजदर का ध्यान रखना। अपनी नियति विजदर की तरफ ही देख रही होती है, विजदर निशिगंधा की तरफ देखता है और कहता है मेरी प्यारी चुड़ैल तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगी। निशिगंधा कहती है आखिरकार मुझे मॉक्स मिलने वाला है, मुझे क्या मॉक्स चाहिए था और मुझे क्या मॉक्स मिल रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। क्या तुम अपने इस चुड़ैल के लिए खुश नहीं हो कि मुझे मॉक्स मिल रहा है, मैं अपनी मधुबाला के पास जा पाऊंगी। अभी जो निशिगंधा होती है ना उसका जो शरीर है वो हल्का हल्का गायब हो रहा होता है। विजदर रोते हुए कहता है मेरी प्यारी चुड़ैल तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अभी जो निशिगंधा होती है विजदर के गाल पर हाथ रखती है और कहती है तुम भी मेरी जैसी कोई सुंदर सी चुड़ैल से शादी कर लेना, मेरे जैसे सुंदर चुड़ैल मिलना मुश्किल है पर शादी कर लेना। अभी निशिगंधा की भी आंखों में ना हल्की हल्की सी आंसू आ रही थी। अभी जो अपना विजदर रहता है वो कहता है मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मेरी प्यारी चुड़ैल। अभी जो निशिगंधा होती है वो भी हल्की हल्की रो ही रही होती है। निशिगंधा कहती है ये कैसा तकिया कलाम है तुम्हारा मेरी प्यारी चुड़ैल, क्या कहते रहते हो तुम। अपना जो विस्तर होता है वो कहता है निशिगंधा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। निशिगंधा कहती है और मेरे वजह से तुम्हें जिंदा भी रहना है, तुम्हारी जितनी ज़िंदगी है तुम उतनी जियो, अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। विस्तर कहता है नहीं ऐसा ना कीजिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अभी जो निशिगंधा होती है वो कहती है नहीं ले जा सकती, मेरी मधुबाला मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मैं अपने मधुबाला के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहती। अभी जो विजदर होता है वो कहता है मैं कभी आपके बीच में नहीं आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। निशिगंधा कहती है तुम ऊपर जाओगे तो मेरे बीच में ज़रूर आओगे, अब नाटक मत करो, नियति का ख्याल रखना, समझ गए। अभी विजदर ना बहुत रो रहा होता है, निशिगंधा का शरीर हल्का हल्का गायब हो रहा होता है, नियति की आंखों में ना आंसू भर आए होते हैं। नियति निशिगंधा के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है हम मिलेंगे ऊपर, ठीक है। अभी जो निशिगंधा होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं मत आना, नहीं तो मधुबाला मुझे वहाँ पे भी जीने नहीं देगी, उसको बहुत जलन होता है और तुम तो दिखती भी उसकी तरह हो, उसे लगेगा कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ और फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, बहुत डांटेगी, मैं डांट नहीं सुनना चाहती, तो तुम मत आना, विस्तर का ख्याल रखना और अपना भी धन्यवाद धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, मैं मधुबाला से तुम्हारे बारे में ज़रूर बताऊंगी। अभी ना एक आवाज़ आती है, अभी निशिगंधा पीछे टर्न मुड़ के देखती है और एक गाने की आवाज़ आती है, वही अजनबी हवाएं सॉन्ग। अभी नियति सामने की तरफ देखती है क्योंकि निशिगंधा वहाँ पे देख रही होती है, नियति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है पर निशिगंधा को अपनी मधुबाला दिखाई दे रही होती है जो झूम रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है और गाना गा रही होती है। अभी निशिगंधा की तरफ देखती है, स्माइल करती है और पीछे मुड़ के जाने लगती है सीधा सीधा। निशिगंधा जो अपना हाथ नियति से छुड़ाती है और मधुबाला के पीछे पीछे जा रही होती है,
अभी विजधर निशिगंधा को रोकने के लिए उसे पीछे जाता है कि मत जाओ, बट नियति उसे रोक लेती है। अपनी निशिगंधा मधुबाला के पीछे जा रही होती है, मधुबाला जो सीधा चल रही होती है, फिर एक बार पीछे मुड़ती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। निशिगंधा मधुबाला का हाथ पकड़ लेती है, दोनों लड़की अपने सर पे अपना सर रखते हैं और किस करते हैं। मधुबाला धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें याद किया मेरी रानी, मेरी निशी, तुम्हें बहुत तकलीफ़ मिला ना। अपनी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, मार डाला भानु को, मार डाला। मधुबाला, जो हुआ मेरी वजह से हुआ ना। अभी ना निशिगंधा रोने लगती है। अपनी जो मधुबाला होती है वो कहती है, हे मेरी रानी, मेरी निशी, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। और ये कहते ही उसको वापस से हग कर लेती है। अभी वो दोनों हग किए हुए थे, रो रहे होते हैं। नियति और जो अपना विजधर है उसे सिर्फ निशिगंधा दिखाई दे रही होती है जो किसी को हग कर रही होती है। लाइक ऐसे ना हवे में हग कर रही है उन्हें ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि मधुबाला किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। अभी ना एक रोशनी जैसा आता है उन दोनों के शरीर पर और वो दोनों ऐसे ही हग किए हुए थे, और वो जो रोशनी की वजह से उनका शरीर की एक हल्की हल्की पार्टिकल बन रही होती है, और वो पार्टिकल बनते बनते वो हवा में उड़ जाती है। अभी निशिगंधा जैसे ही आज़ाद हो जाती है, लाइक उसे जैसे ही मोक्ष मिल जाता है, तो वो तो गायब हो जाती है, वो तो मर चुकी होती है। फाइनली उसे मोक्ष मिल गया होता है। जो विषधर होता है वो नीचे बैठ के रो रहा होता है, और जो विषधर का शरीर है ना बहुत ही हट्टा कट्टा दाढ़ी वाला इंसान, लाइक बहुत ही मस्कुलर स्ट्रॉन्ग मैन, और रोते हुए वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बहुत ही रो रहा होता है। नियति जिसको भी रोना आ रहा होता है वो विषधर को गले लगा लेती है और उसे शांत करवा रही होती है, पर वो शांत होता नहीं है और नियति भी खुद रोने लग जाती है। ना कहानी में हमें 9 साल बाद का लीव दिखाया जाता है। अभी जो नियति थी वो एक ब्रेंच पे बैठी हुई थी, और वो उसी का घर था और उसी घर के बाहर गार्डन एरिया था, वो वहीं पे बैठी थी। विषधर भी उसके पास में खड़ा था। विषधर नियति से कहता है, पता नहीं विक्की बाबा किससे मिलाना चाहते हैं आपको। नियति कहती है, हाँ मैं भी पागल हो गई हूँ, पापा चाहिए, पापा चाहिए, जिद लगा के बैठा था विक्की, अब बोलता है कि घर पे पापा ले आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं किससे भी शादी कर सकती हूँ। विषधर कहता है, अगर लड़का अच्छा हो तो शादी करने में तकलीफ ही क्या है, आप शादी कर लीजिएगा ना। नियति कहती है, विषधर मुझे शादी नहीं करना। अभी जो विषधर होता है वो कहता है, आपने इतना कुछ किया है, आपको शादी कर लेना चाहिए, आपकी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी ना, एक पार्टनर मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। नियति कहती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ 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 नहीं चाहिए, मैं अपने और विक्की के साथ खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों विक्की जैसे ही 9 साल का हुआ उसके सर पे भूत चढ़ गया पापा का, पता नहीं कहाँ से पापा लेके आ रहा है। अभी जो नियति होती है ना वो बैठी हुई रहती है और विषधर खड़ा रहता है। अब वहाँ पे ना विक्की भाग के आता है, अपनी मम्मी को गले लगा लेता है और कहता है, मम्मी। अभी जो नियति होती है विक्की के गले लगते ही स्माइल करती है और कहती है, आ गया मेरा बदमाश। विक्की कहता है, आ भी गया और पापा को भी लेके आया हूँ। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, फिर से तुम जिद पकड़ के बैठ गए ना। विक्की कहता है, पापा बाहर ही है, उनको आने दो ना प्लीज़, मुझे पूरा यकीन है आप जैसे ही देखेंगे आप हाँ बोल देंगे, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। नियति कहती है, बिल्कुल नहीं, उनके सामने कुछ नहीं बोलना है, ये पापा वापा वाला, उनको बैठाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे और रवाना कर देंगे। विक्की कहता है, विषधर अंकल बोलिए ना मम्मी को, प्लीज़ 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 प्लीज़। और ये कहते ही जो अपना विक्की होता है विषधर को गले लगा लेता है, और वो बस विषधर के पांव तक आ रहा होता है। विषधर विक्की के सर पे हाथ फेरता है और फिर नियति से कहता है, बच्चे का दिल रखने के लिए एक बार मिल तो लीजिए। अपना विक्की कहता है, मिलना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट भी करना है। अभी जो विषधर होता है धीरे से कहता है, जब मिल लेंगे वो लड़का अच्छा लगा तो ये सब भी कर लेंगे। अपना जो विक्की होता है वो स्माइल करता है और कहता है, एकदम सही, मेरे पापा बेस्ट हैं। अभी विक्की कहता है, हाँ बेस्ट हैं।
अभी ना वहाँ पे कोई आता है, विक्की उसकी तरफ देखता है और कहता है पापा आ गए, और ये कहते हैं उस पर्सन की तरफ जंप कर लेता है और सीधा हग कर लेता है, वो पर्सन भी उसको हग कर लेता है। अभी जब विजिटर देखता है ना तो एकदम फ्रीज सा हो जाता है, वो सामने वाले पर्सन को देख ही रहा होता है। नियति अब विजिटर को देखती है और अजीब सा वो सामने जब देख रहा होता है तो नियति भी सामने देखती है, और सामने वाले पर्सन को देख के वो खड़ी हो जाती है और कहती है निशिगंधा। अभी सामने एक पर्सन खड़ी थी जो एकदम निशिगंधा जैसी थी, बट उसके बाल छोटे थे और वो बॉयज जैसे थोड़ा रहती थी। अभी वो लड़की आगे आती है और कहती है मेरा नाम निशिगंधा नहीं है, मेरा नाम तो रोशनी है। अभी नियति कहती है रोशनी? अभी वो लड़की कहती है हाँ मेरा नाम रोशनी है। अभी ना वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं, विक्की बहुत खुश रहता है कि उसके पापा उससे बैठकर बात कर रहे होते हैं। अभी ना विक्की जानता है कि वो लड़की है, मतलब अपनी जो रोशनी है वो लड़की है, बट वो फिर भी उससे पापा बोलता है, वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो चाहता है कि उसकी मम्मी इससे शादी कर ले, लाइक उस अपनी रोशनी से शादी कर ले, इसलिए वो घर भी लाया होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ये जो गार्डन है बहुत ही बड़ा गार्डन है अपना, विक्की अपने विजिटर के पास बैठा हुआ था और रोशनी और नियति बाहर ऐसे ही टहल रहे होते हैं। जो अपनी नियति होती है वो कहती है माफ़ करना मेरा बच्चा आपको कुछ ज़्यादा परेशान करता है ना, पापा पापा कह के आपको कितना परेशान करता होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी वो दोनों चल ही रहे होते हैं बट रोशनी रुक जाती है तो नियति भी रुक जाती है तो और कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या। अपनी जो रोशनी होती है नियति का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं उसके पापा पापा सुनने से परेशान नहीं होती, मुझे तो अच्छा लगता है, एक्चुअली मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैंने खुद ही अपने आप को संभाला है, पर जब मेरे लाइफ में विक्की आया तो मैं जब भी रोती थी विक्की आके मुझे संभाल लेता था, ये खुद छोटा है और अपनी छोटी छोटी हाथों से मेरे आंसू साफ करता था, मुझे कितना अच्छा लगता था, विक्की जब मुझे पापा कहता है तो मेरे दिल में एक अलग सा ठंडक पहुंचता है। अपना जो नियति रहती है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ पर तुम विक्की की वजह से अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करोगी। अभी जो रोशनी होती है वो कहती है ज़िंदगी ख़राब किसने कहा, नियति मैं आपसे प्यार भी करती हूँ साथ साथ में। अपने नियति एकदम हैरान, अपनी रोशनी कहती है मुझे सच्ची में नहीं पता था कि विक्की आपका बेटा है, पर मैं आपको एक बार देखी थी, मैं तब से ही आपको प्यार करने लग गई थी, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी बात मानिए और मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और प्लीज़ मैं विनती करती हूँ मुझे कृपया करके विक्की से दूर मत कीजिए, मुझे उसका पापा बने रहने दीजिए। अपनी जो नियति होती है वो एकदम साइलेंट हो गई होती है, जो अपनी रोशनी होती है अब नियति के लिप्स के करीब जाके उसे किस कर लेती है और कहती है कृपया मुझे अलग मत कीजिए, मैं सच्ची में आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ और मैं विक्की से भी उतना ही प्रेम करती हूँ, मैं आप दोनों से इक्वली प्रेम करती हूँ, मैं विक्की की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आपकी खुशी के लिए भी, पर प्लीज़ मुझे अलग मत कीजिए, मुझे आपसे और विक्की से अलग मत कीजिए, कृपया कृपया मुझे अलग मत कीजिए। अभी जो नियति रहती है ना वो एकदम साइलेंट हो गई होती है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो एक जगह पे ही बैठे रहते हैं, विक्की कहता है मम्मी क्या पापा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अभी जो रोशनी होती है उसका हाथ पूरा वाइब्रेट हो रहा होता है, वो डर रही होती है कि नियति उसे मना ना कर दे। नियति जो होती है वो कहती है मैं तुम्हारे पापा का थोड़ा जांच लेना चाहती हूँ, मैं उनके साथ एक दो दिन बाहर घूमूंगी और वो मुझे अच्छे लगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अभी जो अपनी रोशनी रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, अपनी नियति की तरफ देखने लगती है, नियति स्माइल करती है और कहती है मैं आपको चांस देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे दो इंसान चाहते थे कि मैं तुम्हें चांस दूँ। रोशनी कहती है दो इंसान कौन? अभी जो नियति होती है विजिटर की तरफ देखती है, विजिटर भी चाहता था कि नियति रोशनी को चांस दे क्योंकि रोशनी निशिगंधा की तरह लगती है और विजिटर निशिगंधा को बहुत मानता था।
अभी जो नियति होती है वो कहती है, वैसे तुम्हें मेरे पापा को भी मनाना पड़ेगा। अभी बाहर से ना विक्रम आता है और कहता है, टिया मैं घर आ गया। और ये कहते ही जैसे ही सामने खड़ा होता है, अपनी रोशनी को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो निशिगंधा की तरह जो दिखती है। अभी विक्रम कह देता है, चुड़ैल। अभी ना विक्रम डर गया होता है और चुड़ैल कह दिया होता है, और विजधर को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि रोशनी निशिगंधा जैसी है, मतलब निशिगंधा को चुड़ैल बोला, वो बहुत गुस्सा हो गया होता है। बट नियति ना हाथ पकड़ती है विजधर का। अभी जो नियति होती है वो उठती और कहती है, ये चुड़ैल नहीं है, ये रोशनी है, रोशनी। अभी जो विक्रम होता है वो कहता है, रोशनी? और ये कहते ही उसकी तरफ देखने लगता है। नियति कहती है, विकी चाहता है कि मैं रोशनी से शादी कर लूँ। अपना जो विक्रम होता है स्माइल करता है, अपने नाना को गले लगाता है और कहता है, नाना जी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, रोशनी पापा बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से। अभी जो विक्रम होता है वो मना कर रहा होता है, बट विकी इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, और विक्रम को इस बात का फ़र्क पड़ता ही नहीं है लड़का या फिर लड़की। तो विक्रम कह देता है कि ठीक है, इसे तुम एक बार चांस दे दो। अभी ना रोशनी बहुत खुश हो जाती है, विक्रम के ना पाँव पड़ जाती है और कहती है, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और अभी विकी और रोशनी दोनों के दोनों पाँव पड़े हुए थे, और नियति ये देख के स्माइल कर रही होती है, और अपना विक्रम भी। और अभी जो नियति है ना, अब वो इंडिया में नहीं रहती है, बाहर आ गई होती है, बाहर की कंट्री में वो रहने लग गई होती है। विजधर भी उसके साथ ही रहता है, और विक्रम तो उसका पापा है तो वो उसे अपने साथ ही रखेगी। और नियति की बहुत अच्छी खासी बिजनेस भी थी, तो वो काफ़ी अमीर थी, उसका घर देख के पता चल ही जाएगा कि वो चली जा रही थी और उसका गार्डन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। अभी ना हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक साइड में नियति खड़ी थी और एक साइड में रोशनी खड़ी थी, और उन दोनों की ना शादी हो रही होती है, और शादी क्रिश्चियन स्टाइल में ही हो रही होती है। अब वहाँ पे विक्रम भी था और अपना प्यारा सा रोहित भी था, जिसकी ना जो दिमाग है ना काफ़ी अच्छी खासी हो गई होती है, लाइक वो सही हो गया होता है। और उसका एक ब्यूटीफुल सा पार्टनर भी था जो मेल था, वो फीमेल नहीं मेल ही था। अभी जो रोहित होता है वो शादी तो हो गई होती है, उनको कांग्रेस के लिए आगे जाता है, बट वो रोशनी से डर रहा होता है, वो अपनी नियति को ही देखता है। नियति अपने रोहित का हाथ पकड़ती है और अपने रोशनी के हाथ पे रख देती है और कहती है, रोहित भाई सा, चुड़ैल नाम से ये बहुत प्यारी से, रोशनी नाम से। अभी जो रोहित होता है वो अभी भी डरा हुआ ही था, रोशनी स्माइल करती है और कहती है, रोहित भाई सा, मैं भी आपको रोहित भाई सा कहूँगी, मेरा नाम रोशनी है, मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो विक्की होता है ना वो कहता है, हाँ रोहित भाई सा, डरने की जरूरत ना आसे, ये मारी बाप से। अभी जो रोहित होता है ना फाइनली रोशनी से नहीं डरता है, अब सेलिब्रेशन हो जाता है। विक्रम भी खुश था क्योंकि उसकी बेटी खुश थी। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, अब एक तरफ अपने नियति बेड पे बैठी हुई थी और दूसरी तरफ अपनी रोशनी बैठी हुई थी। अब वो दोनों ना ऐसे ही साइलेंट थे। अब ना पास में दूध भी रखा हुआ था, भले शादी कृष्ण स्टाइल में हो बट सुहागरात की रस्म दूध वाली ही थी। अभी जो दूध को दोनों के दोनों फिर देखे जा रहे होते हैं, अपनी जो रोशनी होती है वो कहती है, हमें सो जाना चाहिए ना। नियति कहती है, एकदम सही, हमें सो जाना चाहिए। अभी वो दोनों ना अटक अटक के बातें कर रहे होते हैं। नियति कहती है, मुझे दूध पसंद नहीं है, तुम पी लो। रोशनी कहती है, हाँ ठीक है। और ये कहते ही आगे की तरफ झुक जाती है, जैसे ही वो झुकती है तो उसका जो शरीर होता है ना नियति के शरीर पे ऐसे ना लेट सा जाता है। अब वो दूध का गिलास पकड़ती, पर उससे पहले ही वो जो नियति होती है रोशनी को थोड़ा पुश करके उसे लिप पे किस करने लगती है। रोशनी एकदम हैरान कि अचानक से नियति को क्या हुआ। रोशनी के शरीर जैसी नियति के शरीर पर टच हुई होती है तो उसको ना एक अलग सा वाइब्रेशन सा हुआ होता है, जिस वजह से वो अपने सेंस में नहीं रहती और वो किस कर लेती है उसे। अभी जो नियति होती है घबरा जाती है और कहती है, सॉरी सॉरी
मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों क्यों किया, सॉरी सॉरी। और वो सॉरी ही बोल रही होती है, बट जो अपनी रोशनी होती है वो अपनी नियति को बेड पे करके उसे किस करने लगती है। अब वो दोनों ही किस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही मूड में रहते हैं, लाइक दोनों ही बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को स्टेप आगे बढ़ाने ही वाले थे। क्योंकि जो अपनी रोशनी रहती है वो निस्सी गंदा का जो वो पीछे फित्ता रहता है वो खोलने वाली रहती है, तभी एक आवाज़ आती है, विक्की कमरे में मत जाओ, तुम्हारी मम्मी और पापा को आराम करने दो। अभी जो अपना विस्तर होता है वो विक्की को रोक रहा होता है, बट विक्की उन दोनों के कमरे में आ जाता है। वो कमरे में आता है तब तक वो दोनों ना अलग अलग हो गए होते हैं और ऐसे खांस से रहे होते हैं। अभी जो विक्की होता है उन दोनों के बीच में जाके सो जाता है और कहता है, मुझे सोने से मना किया, पर मैं मम्मी के पास होता हूँ तो मैं मम्मी के पास ही सोऊंगा। जब मैं 15 साल का हो जाऊँगा तब मैं अकेले सोने लग जाऊँगा, या फिर 12 साल का भी, अभी तो मैं 10 साल का हूँ, मैं यहीं पर सोऊंगा। और ये कहते ही बीच में सो जाता है और कहता है, आज मैं मम्मी और पापा के पास सोऊंगा। अभी रोशनी और नियति एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और एक साथ में विक्की को ना कडल करके सो जाते हैं। और आप भी सो जाइए, क्योंकि ये स्टोरी इतनी ही थी। मुझे पता है कि एंडिंग अच्छी नहीं लगी होगी, लास्ट पार्ट ऐसा ना बहुत जल्दी 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 जा रहा होता है। आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा, विक्रम की मौत, सॉरी विक्रम क्या, भानु की मौत भी आपको ना बहुत ही ईजली लगी होगी, बट मौत ईजली ही था उसका। बस वो शरीर जो चेंज करता रहता है, लाइक अगर कोई आपका बार बार शरीर चेंज करता रहे तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए निसी गंदा को लास्ट सिंदूर की शक्ति चाहिए थी। सिंदूर की शक्ति से उसकी सारी श्रृंगार की शक्ति बढ़ जाती, जिस वजह से वो भानु का पता लगा पाती और भानु को मार पाती। सब कुछ बहुत सिंपल, बहुत फास्ट लगा होगा, लाइक आपको 2 पार्ट अच्छा लगा होगा, ये पार्ट थोड़ा सा कम अच्छा लग सकता है, फिर किसी लोगों को अच्छा भी ना लगे, बट जो था ऐसा ही था। मैंने शुरुआत यही सोची थी, लाइक मैंने शुरुआत से एंड तक यही सोच के रखा था। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने चलते चलते बनाया है, नहीं, मैंने इसको पूरा सोच रखा था, बट मेरे पास टाइमिंग नहीं था, मेरा टाइमिंग पूरा शेड्यूल बिगड़ रखा था, इसलिए मैं पार्ट पोस्ट नहीं कर पा रही थी। नहीं तो इस स्टोरी के बारे में मैंने सोच रखा था, ऐसा नहीं है कि मुझे सोचना है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ से क्या करना है, बट टाइमिंग ना होने के चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तबीयत ख़राब जो हुई है मेरी, इस वजह से मेरा सारा शेड्यूल ख़राब हो गया, बट जैसे तैसे करके मैंने ला दिया और ये एपिसोड जल्दी ही आ रहा है, लाइक जल्दी तो नहीं कह सकते पर जो टाइम दिया था उससे एक दिन पहले आ रहा है, इस बात का थोड़ा सा तो आप खुश होंगे ही। अगर खुश है तो मुझे भी खुश कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छे अच्छे कमेंट करके। मैंने पार्ट 2 में कमेंट किया था फेक वॉइस ने और उन्होंने कह दिया था कि निसी गंदा का तो मरना ही है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि चुड़ैल है इनका तो मरना ही है। तो बड़े दिल लगा के सुनते हो, थैंक यू सो मच। और एक ने कहा था कि नियति ही मधुबाला है, तो ऐसा नहीं था कि नियति ही मधुबाला थी, बट मधुबाला का शक्ल हल्का हल्का नियति से मिलता था। जैसे निसी गंदा का चेहरा अपनी प्यारी सी रोशनी से मिलता था। तो बस यही सब था, और मैं क्या बक रही हूँ। अगर कहानी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। बेकार लगी हो ना तो बोलिएगा कि महा बेकार स्टोरी है, ऐसी स्टोरी अगर अगली बार लाया तो चप्पल मारूंगी, ऐसा भी कह सकते हो। और अच्छा लगा हो तो तारीफ भी कर सकते हो, तारीफ सुनने के लिए तैयार रहती हूँ। वैसे लड़कियों को तो तारीफ पसंद ही होता है, मैं हाफ लड़की हूँ और इसलिए मुझे हाफ तारीफ पसंद है, तो तारीफ कर सकते हो चाहो तो। हाँ, मैं पहले ही अनाउंस कर देती हूँ, जो नेक्स्ट स्टोरी होगी जीएल वो अभी नहीं आने वाली है। पहले ये जो 1 मंथ बॉयफ्रेंड चल रहा है वो ख़त्म होगा, उसके बाद मैं एक वीलन स्टोरी लाऊंगी, लॉन्ग वीलन स्टोरी, फिर बाद में जीएल की बारी आएगी। क्योंकि आई लव वीलन, आई लव जीएल, आई लव वांगसन, आई लव वेंजू, वेंजू तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मैं उसको चलाती ही रहती हूँ, वो कभी रुकेगा ही नहीं। बट ये जो वांगसन, वीलन, जीएल है ये रुक रुक के चलेंगे। तो अभी जैसे ही वांगसन ख़त्म होगा मैं विलन लाऊंगी, फिर विलन के बाद जीएल स्टोरी लाऊंगी। और जीएल स्टोरी में सबसे ज़्यादा वोट आया है प्रिंसेस डजन क्राई का, तो नेक्स्ट स्टोरी होगी प्रिंसेस डजन क्राई, जिसमें आपको ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ मिलेगी, बिकॉज ओल्ड वक्त है, तो वो जो होते हैं ना इंडिया के जेवरात, लाइक वो जो बड़े से घाघरा,
मांग टीका, एक रानी रानी वाला लुक दिखेगा, घूंघट ओढ़ के आएगी। तो आई होप आपको प्रिंसेस डजंट क्राई अच्छा लगे। उसकी स्टोरी मैंने थोड़ी सी यूनिक सी रखी है, रास पार्ट वाली। लव पे उतना फोकस नहीं देता है, लाइक लव पे फोकस है, हाफ लव पे फोकस है, बाकी रास पार्ट पे भी फोकस है। तो आप में ना, जैसे कि मैं 5 में से लेती हूँ, 2% आपको लव मिलेगा, 3% आपको सिर्फ रास पार्ट मिलेगा, थोड़ी सी फाइटिंग मिलेगी। तो आई होप आपको पसंद आए। अभी भी मौका है, कम्युनिटी पे जाके आप प्रिंसेस डजंट क्राई की जगह शुगर मम्मी पे भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि शुगर मम्मी 2 होनी, लाइक लिटरली मैं वो 2 होनी है, वो तो मैं उसको 18+ रखूँगी, उसमें बहुत सारे सीन्स है 18+। तो आपको रोमांटिक सा चाहिए तो आप शुगर मम्मी पे वोट कर सकते हैं जाके। अगर आपको चलेगा कि 2% लव हो, बाकी सारा राज पार्ट, थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग हो, जैसे एक सौर इंतकाम ये वाली स्टोरी, वैसी वाली अलग ऐसी स्टोरी चलेगी, तो वोट चेंज करने की क्या ही ज़रूरत है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्यारा सा प्रिंसेस डजंट क्राई। और हाँ, मेरे पास एक और GL स्टोरी है जो कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं गई थी, क्योंकि मैंने उससे अभी ही सोचा है, वो भी वन शॉट टाइप जैसा ही होगा, लाइक जैसे एक सौर इंतकाम की जैसे पार्ट आए हैं वो वैसा ही होगा। उसका नाम है इससे का रंग सफ़ेद। लाइक मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि GL BL क्या था, मैंने नहीं बताया था, मैंने बस बताया था कि नाम सजेस्ट करो। सबसे ज़्यादा इसका रंग सफ़ेद में आया था, तो मैंने वही नाम को सिलेक्ट किया है। स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा होगा, मैंने पोस्टर भी बना दिया है। ये वन शॉट जैसा होगा, जैसे ही प्रिंसेस डजंट क्राई ख़त्म होगा तो मैं फिर से पोल रख दूंगी, शुगर मम्मी, एक्स का रंग सफ़ेद, और मेरे पास एक और स्टोरी है जो अभी मैं थोड़ा सा छुपा के रखी हूँ उसका। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब आप कमेंट करते हैं कि प्लीज़ GL स्टोरी, प्लीज़ GL स्टोरी, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मैं कितनी गंदी इंसान हूँ, ये कितनी डेस्परेट है GL स्टोरी के लिए, और मैं ला नहीं रही हूँ, बट मेरी भी ऐसी गंदी सी मजबूरी होती है ना। मैं एक साथ में ज़्यादा स्टोरी चलाती हूँ तो मैं किसी स्टोरी पे ध्यान नहीं रख पाती। जैसे कि अभी मेरे 4 स्टोरी चल रहे थे, तो मेरा मन कर रहा था ना कि मैं दीवार पे सर भचीड़ लूँ, बट मैं भचीड़ नहीं सकती थी क्योंकि घर वाले बहुत मारते हैं। लाइक सर भचीड़ू भी और फिर घर वाले भी मारे तो बहुत दर्द होता, तो इतनी सारी स्टोरियाँ मैं नहीं चला पाती। तो मैंने जैसे सोचा है मैं वैसे ही चलाऊँगी। आई होप आप वेट कर ले, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। और हम मिलते हैं किसी और न्यू GLFF में। आप चाहे तो जे में मर जाऊंगी भी सुन सकते हैं, लाइक यहाँ पे 1,000 लोग सुन रहे हैं, वहाँ पे जाके 1,000 लोग सुनेंगे तो मेरे हर पार्ट में 1,000 हो जाएगा। यार मुझे कितनी खुशी मिलेगी और मैं कितना ओवर एक्टिंग करती हूँ, बट ये दिल का था कि मुझे सच्ची में बहुत खुशी मिलेगी। तो अपना चुड़ैलों वाला आवाज़ साइड करती हूँ और आपसे अलविदा लेती हूँ। तो मेरे प्यारे से GL फैंस, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे पता है, पर सफ़र का क्या होता है, सब्र का फल मीठा होता है, और आप प्लीज़ उस मीठे फल के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।